तो आइए दोस्तों, आज हम माही नदी की बात करेंगे, माही नदी की विस्तार से चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। इससे क्या है कि मैप के माध्यम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में आसानी रहेगी। पहली बात, हम बात करेंगे उद्गम से लेकर लास्ट तक मैप के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आइए तो इसकी पहली बात करते हैं, उद्गम वाली बात करते हैं। तो देखिए, उद्गम होता है इसका विंध्याचल श्रेणी से। विंध्याचल श्रेणी जो आती है धार जिले में आती है। धार जिला जो आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में आता है। इस मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अम्बोरू की पहाड़ी। अम्बोरू की पहाड़ियों में एक झील है जिसका नाम है मेहंत झील। जब ये मेहंत झील से निकलती है तो राजस्थान में एक जिला आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के जिस स्थान से ये प्रवेश करती है उसका नाम है खादू ग्राम। तो दोस्तों, ये खादू ग्राम से प्रवेश करती है, अपने राजस्थान में प्रवेश लिख रखा है मैंने। उसके बाद ये प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आगे जाती है चाक नदी। हालांकि इसमें यहाँ पे अनास इधर नदी मिल गई। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में। पहले अपने पानी को उठाने के लिए, इस बांध के पानी को उठाने के लिए कागजी पिकअप का निर्माण किया है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है माही नदी पर बांसवाड़ा के बोर खेड़ा में, जिसका नाम है माही बाजार सागर बांध। तो आइए दोस्तों, माही बाजार सागर बांध को अगर देखे तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए आपसे तो ये माही बाजार सागर बांध है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं माही बाजार सागर परियोजना की, तो दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक तो आता है राजस्थान, एक आता है गुजरात। राजस्थान में इसका 45% हिस्सा है, गुजरात का 55% हिस्सा है। लेकिन विद्युत उत्पादन की दृष्टि से पूरा 100% हिस्सा हमारे राजस्थान का है। तो ये भी अच्छी बात है कि विद्युत हमें राजस्थान में इससे ही मिलती है, माही बाजार सागर बांध से। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इसकी एक सहायक नदी हेरू आकर मिलती है आगे। दोस्तों, इधर तो बांसवाड़ा की सीमा है, इधर प्रतापगढ़ की सीमा है, अर्थात ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है बांसवाड़ा में, तो आगे आइए, यहाँ पे डूंगरपुर की मैं बात करूंगा। एक नदी निकलती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की एक पहाड़ी है जिसका नाम है भंवर माता की पहाड़ी। इस भंवर माता की पहाड़ियों से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। जाखम नदी जब थोड़ा सा आगे आती है तो जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध, प्रतापगढ़ में मिलेगा। आगे चल के ये जाखम नदी आती है सीता माता अभ्यारण्य से, आगे निकलती है सीता माता अभ्यारण्य से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों कुडन गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ वृक्ष बहुत ज्यादा पाया जाता है। जाखम नदी आती है, जाखम सोम में मिलती है। अब ध्यान देना, ऋषभ देव की पहाड़ी आती है उदयपुर में, जहाँ पे पीछा मेड़ा की पहाड़ी, पीछा मेड़ा की पहाड़ी या ऋषभ देव की पहाड़ी आती है, वहां पे सोम नदी निकलती है। सोम नदी आगे निकलती है, कहते हैं जाखम नदी का जल लेती है और बैनेश्वर नामक स्थान पर ये तीनों नदियां एक साथ हो जाती है। एक तो इधर से माही नदी आ रही है, इधर से जाखम नदी, इधर से सोम है। तो ये बैनेश्वर के एक गांव आता है नवाटपुरा, उस गांव के निकट ये तीन नदियां संयुक्त रूप से मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कहते हैं दोस्तों, त्रिवेणी संगम जो होता है वो बैनेश्वर जगह है। यहाँ पर बैनेश्वर में विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला भयंकर मेले का आयोजन होता है। वो मेला लगता है, आपको याद रखना है, माघ पूर्णिमा को, ठीक है ना। तो माघ पूर्णिमा को कहते हैं कि साहब ये जो मंदिर स्थापित किया था संत मापजी ने स्थापित किया था, तो संत मापजी का आपको स्थल पूछा जाए तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, डूंगरपुर में है ये। उसके बाद कहते हैं कि इसमें मोरेन नदी आकर मिलती है। आगे चल के गलियाकोट जगह आती है, डूंगरपुर की फेमस है। इस गलियाकोट को बोहरा संप्रदाय की पीठ कहा जाता है। यहाँ पर एक मजार बनी हुई है, वो मजार अपने राजस्थान में फेमस है। यहाँ पे ये मजार जो है वो सैयद फखरुद्दीन की मजार है, ये पूरे राजस्थान में फेमस है, आती है एग्जामों में भी। इधर से चाप नदी मिलती है, अनास नदी मिलती है। अनास नदी का जल आगे बढ़ता है, गुजरात के पंचमहल में जाता है। गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर कडाना बांध का निर्माण होता है। तो कडाना बांध के बाद ये खंबात की खाड़ी में जाती है। दोस्तों, इसकी कई विशेषताएं, जैसे हम लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है। कहते हैं कि इस माही नदी के अपव्यय क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 नदी नालों का समूह होता है, इसलिए छप्पन का मैदान होता है। इसके उपनाम आते हैं दोस्तों, कह सकते हैं हम, काठल की गंगा कहते हैं, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के भाग को काठल कहा जाता है। दोस्तों, इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाग को बागड़ कहा जाता है।
इसे काटल की गंगा, बागड़ की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। इसके एक खास विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। तो कर्क रेखा को दो बार काटती है ये, अर्थात कर्क रेखा हमारे राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, अर्थात हम कह सकते हैं उल्टे यू आकार में बहने वाली जो नदी है वो भी कौन सी है, माही नदी है। उसके बाद अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से निकल जाती है, तो वो भी माही नदी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए एक परियोजना चल रही है सुजलाम सुफलाम परियोजना, वो भी कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है। यहाँ पे सोम नदी की भी हम चर्चा करेंगे, सोम कमला अंबा ये भी परियोजना पूछी गई थी कहाँ पर स्थित है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है। तो इस प्रकार की कई बातें हमने की माही नदी की, और भी कई बातें आती हैं, ठीक है। तो ये हमने इस मैटर में आपको कई चीजें बातें समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर अच्छा लगेगा, ये आपके जरूर 100% आपके कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद घर जाके मैप भी बना सकते हो, वीडियो के माध्यम से आप इसको देख भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं। आगे मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, बाय।